आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। पहला कह रहा है इसमें, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ किया है। जो सत्ता की साझेदारी है उसमें किसका सबसे अधिक लाभ है? तो पहला इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समुदाय के मध्य टकराव में कमी। उसका दूसरे का क्वेश्चन नंबर है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो पहला है इसमें ऑप्शन नंबर सी, मर्चेंटम में, ये मर्चेंट स्कूल था जिसमें फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी थी। कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, करा इसमें से कौन सा भारत का वित्तीय राजधानी है? तो मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। अगला करा कि श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नांकित में से कौन सही है? करा इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें करा कि कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर जो कहा सी, कि श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषा संख्या वालों को वर्चस्व कायम रखने का प्रयास किया गया था। वहां पर प्राथमिकता दिया गया था किसको? सिंगली भाषियों को, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी। करा अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। अगला कहा कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज में, आरक्षण तो सभी जगह है लेकिन भारत में सबसे अधिक जो प्राथमिकता दिया गया है तो ये पंचायती राज में दिया गया। उसमें बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया था। करा कि भारत में सत्ता का प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, करा कि कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, सरकार की निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। अगला कह रहा कि इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा कौन सा कथन सही है, तो सारा देखेंगे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार की गठित की गई है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये नहीं हुआ है। दूसरा कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार की गठित की गई है, नहीं ये भी गलत था। ऑप्शन नंबर सी का, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, हाँ तो ये सही ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, नहीं ये भी क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी। करा के अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? पहला किंग मार्टिन लूथर, दूसरा है क्या महात्मा गांधी, अगला है ओलंपिक धावक टोमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लेस। ये सारे क्या थे, रंग विरोध के विरोधी थे लेकिन जेडी गुड्डी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। अगला कह रहा कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित है की गई है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका तो भारत, ऑप्शन नंबर बी, भारत ऐसा देश है जिसमें क्या है सभी धर्म और भाषा के आधार पर कोई मतभेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी। पहला करके भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? वर्तमान में कह रहा था इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 10.86। अगला कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था 2001 में, ऑप्शन नंबर सी। कर भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो बी, ऑप्शन नंबर 10.86%। अगला डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था तो 2001 में, ऑप्शन नंबर सी।
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें से जगह मेघास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। करक श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल कहां पर अधिक संख्या में रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में बहुसंख्यक आबादी माने सबसे अधिक संख्या किसका है? तो यहाँ पर हमारे देश में हिंदू का है, ऑप्शन नंबर सी। 84% यहाँ पर हमारी जनसंख्या क्या है? हिंदू का है। इसलिए करक बहुसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक जिसकी संख्या क्या हो, कम हो, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? बहुसंख्यक पूछ रहा है जिसकी जनसंख्या अधिक हो। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, हिंदू का। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है? करा कि हिंदू राज, धर्म सापेक्ष राज, बहुभाषी राज, धर्म निरपेक्ष राज। तो हमारे जो देश है उसे धर्म निरपेक्ष राज घोषित किया गया, क्या विभिन्न धर्म के मानने वाले हमारे देश में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी तो अश्वेत शक्ति का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला कारक कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो 1966 में, ऑप्शन नंबर डी। कारक बिहार की साक्षरता है, तो बिहार की साक्षरता कितना है? 64%, ऑप्शन नंबर बी। कारक इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? स्थानीय पंचायती राज, ऑप्शन नंबर बी। जहां पंचायती राज में वो बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, कहां पर? तो बिहार में, बिहार में। अगला है, निम्नांकित देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? मतलब जाति के आधार पर उस देश क्या आपस में बट गया खरबूजे की तरह, तो हम लोग पढ़े थे ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। कहा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है, तो कहां जगह? चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। उस समय के मद्रास कहलाता था, वर्तमान में अभी क्या कहलाता है? चेन्नई कहलाता है। उस समय का ये था मद्रास। आगे कहा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कहा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। अगला है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। अगला है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, क्योंकि हमारा जो देश है वे कोई भी धर्म को मान सकते हैं, इसके तौर पर क्या है? आजादी दिया हुआ है संविधान में। करा क्या अगला, कि सत्ता के साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहां पड़ती है? तो जहां पर जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, ऑप्शन नंबर डी। करके इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें? डी, ऑप्शन नंबर, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या? नस्ल आधारित भेदभाव, ऑप्शन नंबर ए। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती थी? अभी से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, मैंने कि श्रीलंका में सबसे अधिक भाषा कौन सा बोला जाता है? तो यहां पर है सिंगली, ऑप्शन नंबर सी।
कह रहा कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है, ये कब पूछा था, 15वीं लोकसभा था, तो ऑप्शन नंबर सी 59 महिला था। लेकिन अगर 16वीं पूछ ले, 16वीं लोकसभा का चुनाव में महिलाओं की संख्या कितना था, तो कितना हो जाएगा 61। अगर 17वीं पूछ ले तो इसमें कितना हो जाएगा 78 महिलाएं हैं। अभी तक 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है तो इसमें क्या था, 15वीं में था 59 महिला थी, 16वीं में कितना महिला 61 और 17वीं में 78 महिलाएं थी। कहा कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। ये कहां से हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला से। करा कि संघ सरकार का उदाहरण है इसमें, करा कौन सा देश में संघ सरकार की स्थापना हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। करा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, तो चेन्नई। ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन आ गया, मद्रास जिसको हम उस समय के नाम से जानते थे, मद्रास, वर्तमान में जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946, ऑप्शन नंबर सी। करण पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी। कारण कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कारण कि इनमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, पहला छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो ये तीनों क्या, छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तराखंड क्या है राज्य है, केरल क्या है राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। करके बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो न्यूनतम संख्या कितना है 45, न्यूनतम पूछेगा तो 45 और अधिकतम पूछे तो 75। अधिकतम कितना हो जाएगा 75। कि नगर निगम में न्यूनतम वार्डों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 45 और अधिकतम पूछेगा तो 75। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत की गई, तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, मतलब ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो पंचायत सचिव, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में, तो संघीय अवस्था में सरकार दो तरह से चलते हैं, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर, क्या हो जाएगा दोहरी, ऑप्शन नंबर बी। कहते भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं, कितना है, तो तीन सूचियां हैं हमारे संविधान में, तीन तरह का सूची दिया गया है, पहला केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची जिसमें जो केंद्र सरकार के पास होते हैं इस पर कानून कौन बनाते हैं, केंद्र सरकार बनाएंगे। दूसरा है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे। तीसरा था समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिला के कानून बनाते हैं उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो इसमें कितना सूची है, तीन, ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला है भारतीय संविधान द्वारा मान्यता राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, तो कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो ये दिल्ली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, ये तीनों क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन मिजोरम क्या एक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए।
करते, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितना है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में भारत में, तो 8 है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, करा इसमें ग्राम कचहरी का कौन भाग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मुखिया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि न्याय मित्र होते हैं ग्राम कचहरी का सदस्य होते हैं, सरपंच इसका तो ग्राम कचहरी का हेड ही होता है, और न्याय सचिव भी होता है ग्राम कचहरी का सदस्य होता है, इसमें मुखिया नहीं होता है ग्राम कचहरी, क्योंकि ये अलग है। अगला है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है, तो 50%, ऑप्शन नंबर डी। कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो 25 देश में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, तो 5,000, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितने देशी रियासतें थी, माने देशी रियासतें माने उस समय कितने राज्य लगभग थे, तो 565, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ये 63 डाल दिए हैं, 565, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए, नागौर जिला से। अगला है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, दूसरा है कि शक्तियों का विभाजन, अगला है सी नंबर में इकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन नंबर डी में है सर्वोच्च न्याय पालिका, तो इसमें कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है पूछ रहा है हमसे, तो क्या आ जाएगा, एकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। कारण बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है तो त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी। कारण किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी। करा कि संवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों के विषय को, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों विषय कहां होते हैं, संवर्ती सूची में होते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है, करा कि इसमें से कहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो इसमें पूछ रहा है कि हमसे प्रत्यक्ष कहां है, तो प्रत्यक्ष है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, मतलब उस समय प्राप्त था लेकिन अभी ये क्या 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 कर दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बदल दिया गया, जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था लेकिन वर्तमान में उसे क्या बना दिया है, दो जम्मू कश्मीर को बांटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक लद्दाख के नाम से जानते हैं जिस है और दूसरा को जम्मू के नाम से जानते हैं। अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर सी। कहते न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है, तो ग्राम कचहरी का, ऑप्शन नंबर ए। करा क्या भारतीय शासन प्रणाली है, तो करा भारत की जो शासन प्रणाली कैसी है, संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक, न संघात्मक और न एकात्मक, तो हमारे
जो भारतीय शासन प्रणाली है संघात्मक शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? करें इसमें से कौन सा जो पंचायती राज स्तरीय जो तीन स्तर के होते हैं उसमें से कौन सा एक भाग नहीं है? तो ग्राम पंचायत इसका भाग है, पंचायत समिति भी इसका भाग है और जिला परिषद भी इसका भाग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य परिषद। अगला कहा कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। ऑप्शन नंबर सी। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है तो महापौर। ऑप्शन नंबर बी। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है कितने स्तरीय है? तो बिहार का पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, क्योंकि जो सबसे नीचे स्तर पर होते हैं वे ग्राम पंचायत होते हैं, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होते हैं और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। कि नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती हैं त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी। अब कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन हमसे पूछ रहा है तो किस हो जाएगा? ग्राम पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा कि निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सा है? सबसे नीचे पर स्तर पर कौन होता है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए। कारण कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले संस्थान में स्थापित होती है तो क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर बी। अगला कारण कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना निर्धारित की गई है? तो 7,000। ऑप्शन नंबर सी। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का हमसे पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है तो नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी। करके लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 543 पर निर्वाचन होता है और वर्तमान में 543 पर निर्वाचन होता है और 2 पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन से होते हैं। जो वर्तमान में तो कुल कितने सीट है? तो 545 है, लेकिन अधिकतम सीट पूछे कि लोकसभा में कुल कितनी है तो 552 है, जो 530 राज्य से आते हैं, उसके बाद 30 आते हैं केंद्र शासित, 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से और 2 आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन से किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। इसमें पूछ रहा कि निर्वाचन हेतु माने जिस पर निर्वाचन होता हो तो कितना हो जाएगा? 543। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में हुआ है? तो इसमें 3 सूचियां हम लोग पढ़े थे, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर बी। संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय हैं, उसके बाद राज सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय है। इस पर इतने जो विषय है इस पर क्या कहते हैं कि 97 को विषय पर कानून कौन बनाते हैं? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार बनाते हैं जो संघीय सूची पर आते हैं। राज्य सूची में जो राज्य सरकार कानून बनाते हैं उस पर 61 विषय दिया हुआ और समवर्ती सूची में 47 विषय पर
दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिला के कानून बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। अगला कह रहा कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में? क्या था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसका चुनाव क्या चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, ऑप्शन नंबर सी। कहता बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम, ऑप्शन नंबर सी। करा क्या कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? मैंने कांग्रेस को हटाकर दूसरा सरकार, मैंने उसके जगह पर दूसरा सरकार बना था, तो कब बना था? तो 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व बना था। अगला है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, तो इसका क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुए है? तो राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहते जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली, ऑप्शन नंबर बी। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी। करा कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो कितना? 10%, ऑप्शन नंबर ए। करके नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है तो पर्यावरण सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर ए। करा कि भारत में सूचना का अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। कर संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। करके ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। करके लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? तो ये म्यांमार की थी, ऑप्शन नंबर ए। कहते डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के गठबंधन का नाम है, तो प्रसंग, ऑप्शन नंबर सी। करा क्या कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है, तो प्रसंग, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6, ऑप्शन नंबर बी। कहीं 7 भी रहता तो वर्तमान में तो ऐसे 7 है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर है 6, बी। उसके बाद वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितना है? तो 43, लेकिन नया जो बुक है उसमें कितना दिया है? 54 दिया हुआ है, तो देख लेना, इस पर ध्यान थोड़ा देके। कहते भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो 1996 में, ऑप्शन नंबर सी। करा क्या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा इसका? कमल, ऑप्शन नंबर सी। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। आज यही हम क्लास खत्म करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।